नमस्कार, आप सभी को सादर नमस्कार। जन सरोकार मंच टॉप की फेसबुक लाइव श्रृंखला में आप सभी सुधी जन का मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मारू हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस बेहद खास कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं गायक कलाकार मांगीलाल जी राणावत। मांगीलाल जी का परिचय देने और हमारे इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी सुधी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया कमेंट करके हमें बता दें कि आवाज़ ठीक ठाक आ रही है या नहीं। वी होप कि आपको आवाज़ आ ही रही होगी। आज की इस बेहद खास कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास कलाकार मांगीलाल जी राणावत। मांगीलाल जी बारा जिले के मांगरोल गांव में रहते हैं। आप बचपन से ही संगीत के शौकीन हैं। आइए कुछ बातें हम मांगीलाल जी से उनके निजी जीवन और संगीत के बारे में करेंगे और साथ ही सुनेंगे उनके कुछ सुरीले गीत संगीत तराने। मांगीलाल जी, मांगीलाल जी, आपकी संगीत की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से आपने ये सब प्रारंभ किया, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, मैं शुरू से ही, मेरा जो जन्म है वो एक ऐसे घराने में हुआ, मेरे दादा परदादा सभी संगीत से काफ़ी ताल्लुक रखते थे और देवस्थान विभाग में जो कोटा रियासत में जो दरबार थे उनके यहाँ पे शहनाईदार पोस्ट पे थे और उन्हीं से ही मैंने बचपन से ही ये जो घर में चला आ रहा था वो माहौल, वो उसी माहौल में मैं भी बढ़ गया और मैंने जो भी ये मेरी माँ थी वो अच्छा गाती थी तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी माँ थी उन्हीं से हुई। मेरे जो पिताजी थे वो मिस्त्री लाइन में थे, बाकी माँ बहुत सुरों से अच्छा तारू रखती थी तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा और उन्हीं की ही प्रारंभिक मेरी जो है वहीं से। जी, एक बार फिर मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि फेसबुक लाइव पे हमें कमेंट्स करके बता दें कि हम लोगों की आवाज़ आप तक आ रही है या फिर नहीं। मेरे साथी दांशु जी, आप चाहे तो आप भी अपनी जो फेसबुक को देख लें, चेक कर लें ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही है। तो मांगीलाल जी, बचपन के वो गीत तराने सुनाइए जो आपकी स्मृतियों में आज भी है, जिनको आप गुनगुनाते हैं, आपको लगता है जब आप बहुत छोटे थे जी सब उन गानों को गाया करते थे। जी जी, हमारे घर में एक जो राजस्थानी कल्चर था वो उसी कल्चर से वो चीज जुड़ी हुई थी। सुनो जीरा,
अंगारो अगातन में सुनो आयो ये मेरी माँ इसको गाती थी और उन्हीं से मैंने इसको सीखा। जब शुरुआत हुई तो हमारी इसी तरीके से जो भी जो मिला बचपन में, और मांगरोल नगर में ही वहीं और भी कहीं जो लोगों के संपर्क में मैं गया, गाने बजाने वालों के संपर्क में, तो उनसे भी मुझे हमारी अच्छा महसूस किया मैंने। पत्तो तो टूट्यो बड़े की डाली, एजी डाली को जी धनी मारा ले गई ओ पवन डाली उड़ाए जी मारा ले गई ओ पवन। ऐसी कुछ जो चीज़ें थी जो उस वक्त बचपन में मैंने सुना मेरे परिवार के बीच में मेरी माँ से। आज ओ जी जो जी मारा एजी साहिना बना के सरिया ए बनिया जो जी रा। ऐसी चीजें परिवार की महिलाएं भी ऐसा गाती थी क्या, तो उनसे मुझे काफी कुछ वो मिला। मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या मिला है, बड़ा मुश्किल है। हम ये मान सकते हैं कि परिवार से मांगीलाल जी को ये जी परिवार से ही मिला जी। एक ऐसा एनवायरनमेंट जी जो किसी की रगो रगो में जी और संगीत भर दे जी। मांगीलाल जी आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे परिवार में आपने जन्म लिया जहाँ पर बहुत ही संगीत जी अपने चरम पर है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो ये माना जाता है कि क्लासिकल जो गायकी है जी, इसको किसी विधिवत तरीके से सीखा जाता है, जिसमें कि आजकल जो जिस तरह की बातें चल रही हैं जी, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें एक मार्कशीट्स की जरूरत होती है कि भाई आपने संगीत में क्या क्या किया है जी जी। वो जो हमारा पारंपरिक संगीत का सुनना जी और सुनकर सीखना और ये जो बातें थी जी, ये सब भी एक बात है अपनी जगह पर जी। तो आपने अपना संगीत कहाँ से सीखा, आपने अपने गुरु किनको माना जी, कहाँ आपकी विधिवत शिक्षा प्राप्त हुई जी। मैं हमारे नगर मांगरोल में राजेंद्र जी सारस्वत थे, जो मुझसे उम्र में 2-3 साल ही बड़े थे, हम उम्री थे जी। और मेरे वो थाई से लगन थी मेरी, तो उनके जब मैं संपर्क में आया तो वो अच्छा गाते थे, तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। तो कहीं गज़लें तराने ठुमरियाँ, और एक मोहन जी उस्ताद गंधर्व जो इटावा से थे, उन्होंने मुझे हारमोनियम का रियाज करवाया, उनसे भी मैंने हारमोनियम पे तालीम ली।
वो राजेंद्र जी के काफ़ी में सानिध्य में रहा और उनकी एक बहन थी विमला सारस्वत जो टी सीरीज पे गा के भी आए हैं और काफ़ी जो हाड़ौती के जो कलाकार हैं रामदास राव तेजकंड राव रेखा राव इनके साथ उन्होंने काफ़ी गाया। तो हम दोनों बहन भाई राजेंद्र जी सारस्वत से उस वक्त हमने काफ़ी कुछ सीखा जो गाते थे कई गज़लें कहीं उनकी कई गज़लें थी कई चीज़ें जो गाते थे तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जी दया दिल की राह में चरा किसा जला गया मिला नहीं तो क्या हुआ रोशन तो दिखा गया दया दे दिल की राह चरा किसा जला गया इसी गजले गाया करते थे। और जो एक गज़ल थी जिसको वो काफ़ी गुनगुनाया करते थे वो मेरे जहन में अभी तक भी है सुनाइए। ये कभी सोचा न था फासले ऐसे भी हो ये कभी सोचा न था फासले सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था फासले ऐसे होंगे वो कभी सोचान था रात भर पिछली सियाहट कान में आती रही कान में आती रात भर पिछली सियाहट कान में आती रही झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था। इसको मेरे जो गुरुजी थे उस्ताद जी थे बहुत मरहूम हो गए वो मेरे उम्र से ही ताल्लुक़ रखते थे वो जी। पर किसी मालिक को जैसा मंजूर था कि वो बहुत जल्दी चले गए और मैं शायद में पिछड़ गया एक अकेला हो गया मैं जब से वो गए तब से। तो उनका और मेरा एक बहुत अभी उनकी बहन है विमला सारस्वत जिनसे मैं काफ़ी मुखातिब हूँ कोटा में रहते हैं आप आरसी ग्राउंड में जी। तो उनसे में भी मैं काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिलता है वो उससे काफ़ी सीनियरिटी रखते हैं वो। बाकी जो भी लोग हैं मैं यही कहूं कि शुभ कहीं भी मिले ले लो चुनो बस सही बात है बिल्कुल सही बात है। आपने अभी गज़ल सुनाई आपके जो गुरु लोग थे वो भी गज़ल सुनाते थे जी गज़लों पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है मैं खुद बहुत समय से आपको जानता हूँ जी सर। हमने ऐसा भी सुना है कि गज़ल सम्राट जो गुलाम अली साहब हैं जी आपने अपने घर पर एक तरफ अपनी माता जी की तस्वीर लगा रखी है दूसरी तरफ आपने गुलाम अली साहब की तस्वीर लगा रखी है जी जी। तो क्या माने रखते हैं गुलाम अली साहब आपके संगीत वाले जीवन में? जी मैं यही कहूँगा कि मेरी माने जो मेरे जन्म संगीत का जन्म जो है वो मेरी माँ से हुआ। बाकी उस पौधे को आगे बढ़ाने में राजेंद्र जी जो सारस्वत थे वो गुलाम अली साहब को बहुत सुनते थे अच्छा। और मेरी
अक्सर वो मुझे गुलाम अली साहब की ही गजलें सुनाया करते थे। तो बाद में फिर वो चले गए, तो उनके जाने के बाद में फिर मैंने गुलाम अली साहब की कैसेट जो है कहाँ उनको सुनने जाऊँ, तो उनकी कैसेट से मैं, तो मुझे काफ़ी उनसे एक मार्गदर्शन लिया। मैं ये कहूँ कि मेरे आदर्श बन गए गुलाम अली साहब, तो मैं उनसे ही फिर वो मुझे एक बहुत सामने उनकी तस्वीर को रख के जब मैं गाता था तो मुझे एक अलग ही मतलब एक अलग ही मुझे एक ऊर्जा या एक मालिक की जो रहमत कुछ भी कहो आप, एक इबादत थी जी जिसको मैं उनके सामने रखता था, और उनसे मैं बहुत कुछ मुझे प्रेरणा, मेरे जीवन का एक मार्गदर्शन मेरा प्रशस्त हो गया, अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर, तभी से मैं उनकी तस्वीर मेरे मन के सामने। अब गुलाम अली साहब की अगर बात चल रही है तो निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि गुलाम अली साहब की कोई गजल जी जो आपको बहुत अच्छी लगती है। उनकी तो सभी गजलें अच्छी है, जो भी आप सुनाना चाहें फिर भी आप जो भी। मुनीर नासिक आजमी गजल है ये, और इसको खान साहब ने बहुत खूब गाया है। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, वो तेरी याद थी, अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने। नासिक आजमी की गजल है। बैठ कर साया ए गुल में नासिर, साया साया ए गुल में नासिर, साया ए गुल में नासिर, कर साया गुल में नासे, हम बहुत रोए वो जब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, जो उनकी थी बहुत ही सुंदर। तो उस वक्त उनकी एक गजल बड़ी चर्चित है जो उन्होंने निकाह पिक्चर में भी गाई थी जी, और अधिकांश लोग काफ़ी सुना है उस गजल ने, काफ़ी उनको हसरत मोहानी की गजल है और काफ़ी लंबी गजल है। इस गजल में बहुत इसके वो है उसमें से भी, जब कभी तन्हा हमने देखा तो अजरा रेलिया, हले दिल बातों ही बातों में जताना याद है, हमको अब तक लाश की का वो जमाना याद है, वक्त रुखसत
अलविदा का लफ्ज कहने के लिए वक्त रुख सत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए वो तेरे सूखे लबों का थर थराना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है मशहूर थी जी उस समय पे और कई गजलें उन्होंने गाई है अभी हमारा जो अगला प्रश्न है जी बड़ा प्रासंगिक है समसामयिक है जी। फिलहाल जो कोरोना के कारण जो संगीतकार हैं जी जो कलाकार लोग हैं जी सर थिएटर वाले लोग जी सर गाने वाले लोग जी सभी लोग कोरोना से काफ़ी प्रभावित हुए हैं जी। इस समय सभी लोग आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं जी। ये विश्वव्यापी एक महामारी बेशक जिससे हम सामना कर रहे हैं बेशक कलाकारों के सामने जिस प्रकार की आर्थिक संकट जो पैदा हुआ है जी आप क्या कहेंगे जी। संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को सरकार को जो हमारे जो कलाकार लोग हैं उन तक पहुँचना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए क्योंकि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस ने क्योंकि गाना बजाना एक महफिल का है और महफिल ने आप जानते हैं कि महफिल का मतलब महफिल है तो महफिल अभी रही नहीं लोगों का मिलना बंद है तो महफिलें कहाँ से आएगी तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि राजस्थान गवर्नमेंट या हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो भी है उनको कलाकारों को जो भी मदद हो जो भी एक हर कलाकार के पास क्योंकि कलाकार एक धरोहर है विश्व की धरोहर कलाकार के लिए ऐसा कहा जाता है कि कलाकार बड़ी फुर्सत में मालिक भी बड़ी फुर्सत में बनाता है कलाकार को जी। भी यही कहूँगा कि एक इस धरोहर को भी गवर्नमेंट संभाले रखे इन पे भी ध्यान जाए गवर्नमेंट का क्योंकि कलाकार बड़े गरीब होते हैं आर्थिक से क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि शहनशाही महफिल महफिलें चला हमारे तमगाए पाकिस्तान मेहंदी हसन खां साहब जब आखिरी में बीमारी से जूझ रहे थे तो आर्थिकता उनके सामने इतनी संकट बनी कि उनका एक तरीके से इलाज नहीं हो तो कलाकार एक लोगों के बीच में अपने आप को फूंक देता है ये कहूँ मैं वो तो चाहिए सरकार के जितने भी जो बड़े अहदे पे जो लोग बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है और कि वो हर कलाकार तक अच्छा राजा वो है जो हर पौधे तक पानी जाए नहीं ये बिल्कुल आपकी अच्छा बात से सहमत है मंगला जी और इस जन सरोकार मंच से हम सभी अपने दर्शक सभी दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि सरकार तो जो करे वो करेगी या ना करे वो आगे की बात है आप लोगों में से भी जो लोग सक्षम हैं जो लोग कर सकते हैं प्लीज़ अपने आसपास के कलाकारों को और जो भी कलाकार अभी इस समय में संकट से जूझ रहे हैं उन लोगों को मदद करें जिस प्रकार से भी हो सके आप लोग प्लीज़ इस बात को ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं जी सर मांगीलाल जी आपने नाटकों में भी बहुत गाया है जी मैंने खुद कंटिन्यू आपको देखा है वो चाहे चढ़ी चमेली सूर्यमल फैज अहमद फैज ऐसे बहुत बेहतरीन फूल कसूला ऐसे नाटक थे जी सर जिनमें आपने अपनी गायकी का दमखम दिखाया है जी सर क्या आपको फर्क लगता है जब आप महफिलों में गाते हैं और जब आप नाटकों में गाते हैं जी
क्या लगता है आपको, किस प्रकार से देखते हैं दोनों चीजों को? जी, महफिल में गाना एक अलग बात है और नाटक में एक अलग बात है। वहाँ पे जो डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है, जो चीज़ जिस तरीके से नाटक में जा रही है, जैसा सुर जा रहा है, जैसा शब्द जा रहा है, जो आपकी एक कैसे फॉलो कर रहे हो आप उस चीज़ को, वो नाटक में एक वहाँ पे और उसी दायरे में उसी टाइमिंग में हमें गागर में सागर वाली बात है जी, कि गागर में सागर कैसे रखा जाए। तो महफिल में एक कलाकार की अपनी स्वतंत्रता है, वो महफिल में जो सुनने वाले हैं जी उनको उनके चेहरे को पढ़ा जाता है, उनके चेहरे को पढ़ के ही बात रखी जाती है कि मैं क्या रखूं, इनको क्या चाहिए। और नाटक में एक एक्यूड है, एक फाइनली है वो चीज़ की, बस इस चीज़ को, क्योंकि जो डायरेक्टर है जी, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, मैंने जिन नाटकों में काम किया उनमें कभी सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी से, राजेंद्र जी पांचाल जो सुल्तानपुर से कोटा से, उनकी मेहरबानी रही कि उन्होंने मेरे जैसे नाचीज व्यक्ति को उनके नाटक में एक जगह दी और बड़ी अच्छी जगह दी। सूर्यमल मिश्रण का साहित्य मुझे प्रस्तुत करने का एक मौका मिला मुझे जी, और उन्होंने मुझे, राजेंद्र जी पांचाल ने मुझे बहुत सराया, अच्छा लगा उनको। और फैज़ अहमद फैज़ जो पाकिस्तान की शायद सियासत में भी थे, और फैज़ अहमद फैज़ गुलों में रंग भरे वादे नो बाहर चले, चले भी आओ कि मौसम का कारवार चले जी, काफ़ी गज़लें उनकी, रोशन जमाले यार से हैं अंजुमन तमाम। तो फैज़ अहमद फैज़ भी नाटक जो उन्होंने, और फूल केसोला फूल जो हमारे रघुराज सिंह जी हाड़ा जो कवि, हमारे राजस्थान के बड़े लोगों में नाम है उनका, कवि दुर्गादान सिंह जी, उनकी भी बात बहुत ऊंची बात है, बड़ी बात है। अभी उनको मानस पीर में, शायद हमारे देश के रामकथावाचक मुरारी बापू ने उनको राजस्थानी भाषा के रत्न का खिताब मिला है उनको, दुर्गादान सिंह गौड़ को, तो उस नाटक में जी। हम ये जानना चाहते थे कि जो एक नाटक में संगीत होता है जी, और जो सामान्य संगीत जब महफिलों में हम गाते हैं, तो मांगीलाल जी की बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, और ये बात स्पष्ट रूप से है, सामने आती है कि नाटक में लिमिटेड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें नए संगीत को रखना होता है, और वो बिल्कुल फिक्स होता है। जब आप एक महफिल में गा रहे होते हैं तो दर्शक आपसे गुजारिश करे या फरमाइश करे तब भी आप आगे गा सकते हैं। दूसरा कि जब आप महफिल में होते हैं तो फिर आप ही आप होते हैं, बेशक बेशक। तो ये एक मोटे तौर पे हम फर्क समझ सकते हैं। मांगीलाल जी, आपसे ये भी गुजारिश है कि जिन नाटकों में आपने गाया है जी, तो हम और हमारी दर्शक निश्चित रूप से उन नाटकों में जिन तरानों को आपने गाया है जी, जिन गीतों को गाया है, जिन गजलों को गाया है जी, उनको भी हम सुने और आज की इस शाम को बिल्कुल रंगीन कर दें जी। मैं कभी सूर्यमल मिश्रण वो नाटक, हिंदुस्तान के 300 नाटक जो थे उनमें 10वें स्थान पे उस नाटक का नाम रहा है जी, दिल्ली के अंदर उसको नाटक को अपना एक अलग मुकाम मिला है जी, राजेंद्र जी पांचाल की और सभी लोगों की, उसमें कई लोग थे, मतलब रविंद्र कुमार जी जैसे मारू साहब, शरीफ जी नादान, और जी वो पूरे ग्रुप का सहयोग था, पूरे कई ग्रुप जो उसमें कई लोगों का योगदान था जी। तो उस नाटक में कुछ बातें थी जी, जरूर सुनाए। हते चंड में
प्रचंड कवि विज्ञ सट भाषान के पछारे पंडित कई शास्त्रान ने। इस नाटक में जो है वो चारण साहित्य की इसमें, क्योंकि सूर्यमन मिश्रण चारण थे जी, मोदी दरबार के चारण थे वो, तो चारण साहित्य में इसमें अच्छी प्रस्तुति थी। और इस नाटक में राजेंद्र जी पांचाल का एक अपना विशेष, उन्होंने माना कि मैं, मेरा गाना बजाना है, पर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कही बातें जो मुझे भी खुद को सीखने का एक अनुभव हुआ, मुझे मैंने महसूस किया जी। तो उसमें कह दी सबरु राज रानी राम गढ़री धरानी रटु महारानी वाणी समापो बाय प्रवतगन प्रमाणी हंसा उड़ानी जाने राम सिंह राय डूंगर में धरानी गोत्र ना बखानी राज रानी श्रीमान कृष्ण है। तो ऐसे कई उसमें कई बातें थी उस नाटक के अंदर, कई चीजें थी, मतलब जो है तो वो फैज की गजल भी गई थी आपने। फैज की, फैज अहमद फैज का नाटक था उसमें, फैज साहब की गजल थी वो भी मैं आप लोगों के बीच रखूं जरूर। भूलो में रंग भरे वादेनो बहार चले, भूलो में रंग भरे वादेनो बहार चले, चले दिया के गुलशन चले, भूलो में रंग भरे वादे नो बहार चले। मकाम फैल राह में जचही नहीं, मकाम फैज कोई राग में जचाही नहीं, जो कूह यार से निकले तो सुएदा, जो कूह यार से निकले ले तो सुएदार चले, चले दिया के गुलशन का कारोबार चले, लो रंग भरे बातेनो बहार। बड़ी फेमस गजलें हैं, गुलों में रंग भरे वादिनों बाहर चले जी। और फैज साहब तो फैज साहब थे, उनको क्या कहें, उनके विषय में जितना, अहमद फराज के पहले के शायर हैं जी पाकिस्तान, उसके बाद में अहमद फराज साहब आए, पर इनके पहले जो सीनियरिटी रखते थे फैज साहब, वहाँ की सियासत में, और सिगार बहुत पीते थे जी, वो सिगार पीते थे फैज साहब, और आपका एक बड़ा नाम था, और दुनिया में ऐसे शख्सियत बहुत कम आती है, मैं तो यही कहूँ। एक गजल उनकी ये भी है जी, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमा, आ
भूषण जमाल यार से है अंजुमन तमाम महका हुआ आतिशे गुल से चमन तमाम। इस गजल में है मेहंदी हसन खान साहब ने भी जो तमाम जो लिया है जी। वो इतना सुरों का एक अपना ये राग पटदीप पे ये गजल आधारित है कम जी। मेहंदी हसन खान साहब की हर गजल राग रंग में गाया करते थे वो भी एक राजस्थान में एक राज हमारी राजस्थान की मिट्टी की खुशबू थे मेहंदी हसन खान साहब। तो तमाम अंजुमन तमाम बहुत ही खूबसूरत। हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जी। अंत में हम मांगीलाल जी से ये जानना चाहेंगे कि आप तो एक ऐसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े रहे जी सर, अच्छे गुणी लोगों के साथ रहे जी सर। अभी अब जो नए युवा जी जो संगीत से जुड़ रहे हैं, कला से जुड़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? जी, मैंने ऐसा सुना है हमारे संगीत की दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं जी, बड़े गुलाम अली खान साहब, सलामत अली खान, बरकत अली खान जी, नज़ाकत अली खान। तो सलामत अली खान साहब से मैंने ऐसा सुना है कि ऊपर वाले ने जो दिया है वहाँ से जो आया है वो सुर आया है जी, सुर, सिर्फ और सिर्फ सुर। आज जो हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं वो एक मतलब इस तरीके से संगीत को पेश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम, क्योंकि हमारा जो एशिया, हमारे जो जम्बूद्वीप का जो संगीत है जी, वो एक अपनी पहचान रखता है। आज भी हमारी खुशबू, हजारों वर्ष गुजर गए फिर मालकोस राग वही मालकोस है जी, भैरवी वही भैरवी है निश्चित, देश राग वही देश है, सारंग वही सारंग है। तो हम जो एक दिशा भ्रमित हो रहे हैं जी, तो हमें दिशा भ्रमित नहीं होना है। और हमारी जो बुजुर्गों की खुशबू है जी, हमारी जो एक निज खुशबू है, उसी खुशबू में हमें हमारे जीवन को जीना है। और जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसको जितना भी सीखें, जितना भी रियाज करें, जितना भी वो करें। और मैं तो कहूँ कि मैं याद करूँ मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को जी, जिन्होंने कहा था कि संगीत खुदा की इबादत है। तो मैं ये कहूँ कि ये कोई सीखने जैसी भी बात नहीं है, कि इबादत है, एक सुरों से मालिक को एक पुकारना है। कि हर आर्टिस्ट कभी अपने शब्दों में मालिक को याद करता है, तो एक गाने वाला अपने सुर से उस मालिक को याद करता है। तो ये कि भाई इबादत है, और ये इबादत आपकी ऐसी रहे कि इसकी जो पाकिजगी है जी, वो एक बनी रहे तो अच्छा है। और संगीत के सभी भाई जो हैं वो खूब रियाज करें, खूब मेहनत करें। और जो ऐसा कहा गया है कि मैंने मेहंदी हसन खान साहब से सुना था जी, इबादत बा नसीब और बेअदब बे नसीब। तो हमें बादब के साथ में हमारे जो हमसे बड़े लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन सबको इज्जत देनी है। और जब हम दूसरे को इज्जत देंगे, किसी भरी हुई टंकी के पास बैठो तो ज़रा खाली बन के बैठो, क्योंकि अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया वाली जैसी बात है जी, कि एक गुरु शिष्य परंपरा बने तो ऐसी बने कि एक यादगार बन जाए। कई लोग आज कहीं गुरु शिष्य परंपरा में निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की वो देते हैं, तो ऐसा होना चाहिए जी, क्योंकि हमारे यहाँ द्रोण जैसे गुरु भी हुए हैं और एकलव्य जैसे शिष्य भी हुए हैं। तो हमें इन लोगों से, हमारे साहित्य से, हमारी संस्कृति से, हमारी विरासत से हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए जी, और हमारे बुज़ुर्गों के कदमों पर हमें चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सहमत हैं इस सारी बात से।
और तो ये थे मांगीलाल जी। मांगीलाल जी के पास सुनने के लिए इतना सब कुछ है कि हम पूरी रात भी यदि सुनते रहें तो कम पड़ जाए, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है, हमें उसमें बंधे रहना चाहिए। तो आज की इस शाम को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली बार आपसे मिलने के लिए फिर से आएंगे कोटा के डॉक्टर धांसु अनु सिंह धाकड़ को लेकर के, जो आपको लोक कथाएं सुनाएंगे और उन पर हम चर्चा करेंगे लोक के बारे में, फूल के एक फरमाइश आ गई है। अंत में जाने से पहले हम चाहते हैं कि फूल के सुला का जो जी जी प्लीज एक बार फूल के सुला। फूल में एक हमारे जो मुकुटमणि राज थे उनकी भी एक रचना थी मुकुटमणि राज की। चंद्रमा को जो बन खत गयो, चंद्रमा को जो बन खत गयो, तारा को कपास कत गयो, मोड़ी नार देख जू डर पे, भोर देखता धुवजी छप गयो, मुर्गो गाव ने चतावे, मुर्गो गाव ने चतावे, बन में कोको देवे मोर, श्यामल चुनर ओड़िया उतरी, तापरा सुभो भो, श्यामल चुनर ओड़िया उतरी, तापरा सुभो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और आपकी मेहरबानी बनी रहे। हम जी